कैसे हो आप सब? आई होप सब मौज में होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज चलते हैं अपने ऑफिस। तो भाई ये अपना ऑफिस है, एयरटेल ऑफिस है। इसके नीचे अपना नोकिया का ऑफिस है। देख रहे हो भाई साहब, बेरोजगारी बेरोजगारी ना भाई साहब, सारे रोजगार वाले हैं, नौकरी करने जो हमें। वेलकम टू नोकिया। ये अपने राम सागर भाई हैं भाई, बहुत सपोर्टेड आदमी है और देशभक्त प्लस में। कौन से भक्त हैं? माता रानी के। ये हमारे पुराने मित्र राजू भाई। ये अपना चश्मू, इस टाइम कैडी मेहनत पर लग रहा, इस टाइम कैडी मेहनत पर लग पूरी मार रखी है। और ये तो ही अपने करता धरता नोकिया पर कब्जा कर रखा आदमी है, नियोन का मैनेजर बना दिया फर्जी आदमी। हर टाइम मीटिंग के लिंक मांगता रहे, कोई नहीं तुझे हम वायरल कर देते हैं। आलिए साहब, कोल्ड कॉफी लो भाई साहब। हमारे राव साहब इनसे मिलिए, बहुत मेहनती लोंडा, पूरे दिन लगा रहे पान बार अंदर डाल के। अब तो रेड बुल चल लिया भाई, लाल हो रहा दिन पे दिन, अब तो रेड बुल और मार रहा। ये लालू प्रसाद के राइट हैंड है। लालू प्रसाद के नहीं यार, ऐसे बोलोगे मैं केजरीवाल का सपोर्टर। अच्छा, केजरीवाल के सपोर्टर है। इस टाइम केजरीवाल के तो भाई काफी ऐसी कर रखी है इन्होंने, कल जो है घर के भी फोटो दे दिया, वहाँ के बंगले का भी, ये भी कुर्सी इतने की जो काम कर रहा है वो है। तो कुछ मान लो, अरे हमारे राजीव भाई आ गए हैं। बाद राजीव भाई क्या कह सकते हैं भाई, हमारे करता धरता है टीवीएस के, बस नोकिया वाले इनसे परेशान है। ये पंकज भाई फर्जी आदमी है, सेट वाले। ये हमारे राजेंद्र भाई है, बहुत सपोर्टेड आदमी है भाई साहब, इंडस को देखते हैं, करता धरता यही है इंडस के हमारे। है राजेंद्र भाई? कुछ नहीं भाई। पूछ रहा है किस चीज की शपथ, मैं बोला कल शपथ आना, तो बोला किस चीज की शपथ, मैं बोला तुम देख लो यही चीज का तुम्हें अप्रिसिएशन मिलता है। और नहीं, और लोग मुंह उठा के चले जाते की राजनीति हो रही है, सर के पास चले जाते सर इंक्रीमेंट करो हमारा। पता है नहीं नोकिया के कितनी ब्रांच है वो पता नहीं है, ऑफिस इस बोल दो ब्रांच। अजय भाई छोड़ रहा क्या हमने परमानेंट, तो मान लिया हो गया ठीक है भाई। ये हमारे अंकल जी हैं जी, दोस्तों अंकल जी। हाँ काफी लंबे टाइम बाद आए हो ना। हाँ काफी लंबे टाइम के बाद। टाइम क्या हो रहा है? 3 मिनट। आज उल्टे हाथ से लिख के देखते हैं। चलें गोपाल फिर ठीक है। अरे नहीं गोपाल चलते हैं यार, हमारा देखते रहते हैं यार क्या। तो भाई अपने चलते हैं वो ऑफिस से, अभी एक अर्जेंट काम आ गया तो मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, तो फिर चलते हैं दिखाते हैं। ये अपने ऑफिस से बाहर आ गए फिलहाल में, तो ये पीछे का व्यू अपना।
काफी दिन बाद आए, सब लोग पूछ रहे हैं भाई बहुत दिन बाद आया है, कहाँ रह गया, कैसा मन ना करता हो भाई यार, घर घर ही होकर। ये अपना गुरुद्वारा है, बहुत सुंदर है। चालू रखो, झाड़ू मार के यहाँ पे गद्दा रखा साइड में रखा, फिर यहाँ बैठा मैं, वहाँ सो जाता। मैं कह रहा हूँ तू मेरे घर बकचोदी मत करेगा, बताओ तेरा बिहाना होने का, अब भी बता दे। दरवाजा खोलते नहीं, क्या बंद कर, सो जाते तो ना, सो तो जाते, तेने मेरा बैग ऐसा कैसे फेंक दिया, बस करो भाई बता रहे, बाहर फेंक दूंगा, ठीक है ना। बदाम का तेल फायदा भी करेगा, सबको नुकसान करेगा, ठीक है ना भाई। तुम ऐसा गलत मान लिया हमने बैग छोको, ये कौन सा शैम्पू यार, वो भी वीडियो में ट्रिज्म, कोई भी चीज, हाँ लहंगे में क्या धोखा रखा है ये तो बता। अरे रुक जा एक मिनट यार, मैं क्या धोखा रखा पहले बता। से यार मैं नई बात, एक तो मैं कपड़े में है क्या, अरे यार घाघरे में है बेल में। तो दोस्तों ये हमने प्रोडक्ट बनाया नया, वो कादर खान पहले बन तो जान दे, जिसमें हमने क्या क्या मिलाया भाई साकेत। इसमें हरी मिर्च है, हाँ नमक है, नमकीन है, और ये खट्टी मीठी नमकीन है, हरी मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, और जी ये मुरमुरे, मुरमुरे बोलते हैं क्या बोलते हैं हाँ, तुम्हारे यहाँ पे मोमरा बोलते हैं, मोमरा, ये मोमरा है हमारे यहाँ, वो बोलते हैं खील, लैया बोलते हैं, लैया तो नहीं बोलते हमारे यहाँ, खीर बोलते, होटल वाले। ये सस्ता कादर खान है, आधा कचड़े में ही फेंकेगा, गंदगी मत करिए बिल्कुल भी। अरे जल्दी वाला काम हो रहा है भाई, यू देखो यमराज सुया की दोस्ती है, 11,000 का करंट लगा फिर भी बचगा राक्षस नहीं भगवान, सच में भगवान हमको गोद में ले लिया था। अरे भगवान ने ना लिया तो यमराज ने में कैसे यहाँ ले जाके क्या करेंगे साले, नहीं पड़ा रहने दो देखो देखो चार कोन की प्याज कटिंग देखो ये अरे तुझे पता ही ना कैसे कटे है। नहीं होटल में ये जो अंडा अंडा करी वाले, अंडा नहीं होता अंडा हुए, आमलेट वाले ऐसे करते देखो ये कैसे ऐसे बारीक बिल्कुल हल्का, उनका नाइफ अलग हाथ में क्या हुआ। हाँ 11,000 इलेक्ट्रिक शॉट लगा था सर, 11,000 काफी लंबा टाइम हो गया सर। सही कह रहा है, शॉट लग के तू एकदम बच गया, तेरे आंत ओजड़ी काम कर रही है, 11,000 का जैसे करंट लगा, खून वून बचा तो मैं ना, नहीं मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं, 12-24 घंटे बाद होश आया। सॉलिड अंधा है यार भाई साहब, करंट लेने के बाद भी अगले को कोई दिक्कत नहीं आई, ग्लूकोज उन लोगों ने चढ़ाया था इसलिए मुझे बचाने के लिए, ताकि ये है अभी ग्लूकोज तो चढ़ाना ही पड़ता है, लेकिन मेरे को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सबसे पहले ग्लूकोज ही तो कम होता है। अच्छा कोई वैसा आदमी हल्का फुल्का आदमी होता तो मर गया होता। साहब हम आ गए 5-स्टार होटल में डेरा द ढाबा, सब कुछ ले लिया, आदमी की शिकल देखो, यहाँ वेटिंग में वो काउंटर से टिकट लेना पड़ता है, फिर वेट करना पड़ता है बाहर, ये कर रहे वेट लाइन में लगे हुए हैं, एक भी मुझसे पहले लगा हुआ है, अब बुला लिया उसने एक आदमी को तो वो गया है काउंटर से टिकट कटवाने, उसके बाद हमारा नंबर आएगा आ सकते हैं, चलो तो फिर ठीक है। हाँ भाई प्रोडक्ट में क्या क्या है, अरे 500 रुपये प्लेट तो मैं पता, 5-स्टार होटल में आए तो 500 रुपये प्लेट तो होगी, सब्जी में क्या क्या, सब्जी में क्या क्या, दाल मखनी उड़द और क्या दूसरा, गवार बटा, चलो लगाऊं 4 प्लेट लगाऊं, ये भाई अपनी दाल बाटी है, यहाँ के राजस्थान में और इधर थोड़े गुजरात में थोड़ा फेमस है ना, गुजरात में फेमस है ना और राजस्थान में भी खाई जाती है ना, ये अपनी बाटी है, इनको चूरा बना रहे हैं, उसके बाद इस पर दाल अपनी इच्छा से कितना भी डाल लो और प्याज प्लस में चटनी। ये भाई यहाँ के ओनर हैं, नए नहीं है 4 दिन से। ये भाई अपनी थाली की मेकिंग हो रही है, पहला रख रहे हैं भाई चावल,
आ गई भाई अपनी थाली, दो पराठे हैं, दो सब्जियां, एक दाल और चावल।